हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? हेलो सर, आई एम फाइन सर, एंड यू? व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन बेटा, आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू बेटा। आज के क्लास में हम लोग मैथ पढ़ेंगे, और मैथ में जो पिछला वर्ष दिया गया था, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो दैट कि हाउ मेनी हैव सेंड देयर वर्क, हाउ मेनी हैव सेंड द पिक ऑफ देयर वर्क इन आवर लास्ट सेशन। जो हमारे लास्ट सेशन में जो वर्क दिया गया था, हाउ मेनी हैव सेंड अप पिक ऑफ दैट वर्क, कितने लोगों ने भेजा था? शो मी योर हैंड लाइक दिस इन द फ्रंट ऑफ कैमरा, यू नीड टू सेंड योर हैंड। आई नो, मैंने चेक किया है कि हाउ मेनी हैव सेंड, बट आई वांट टू नो, आई वांट टू लुक हियर ऑल्सो कि कितने लोगों ने अपना वो वर्क कंप्लीट करके भेजा है। आदर्श सिंह, डाउन योर हैंड, आपका वर्क आया था। राजपाल, आप भी डाउन करें बेटा, आपका भी आया था। अंशित, आपका भी आया था। आदित्य सिंह, आपका भी आया था। जिसका नाम ले रहा हूँ वो अपना हैंड डाउन करते रहिए। शिवानी, आपका भी आया था। ममता बेटा, आपका भी आया था। अनुष्का आया था। दीपक सिंह, आपका आया था। दीपक सिंह, क्यों नहीं आपने वर्क, आपने अपना वर्क कंप्लीट करके क्यों नहीं फोटो भेजा? अगर आज नहीं वर्क भेजा तो आपकी बात से मैं आपको लाइव क्लास से बाहर कर दूंगा। उत्तर पांडे, आपका भी नहीं आया था, क्यों नहीं आया था? तो फीवर था आपको? फीवर था ये बहाना नहीं, परसों क्लास था, दो तीन दिन तब से आज तो फीवर ही था आपको। ये बहाना बनाते हैं, घर में बैठ करके आप इतना काम भी नहीं कर सकते। डेली वर्क कंप्लीट करिएगा, नहीं तो मैं तो लाइव क्लास से भी बाहर कर दूंगा। अभिनय पांडे बेटा, आपका स्क्रीन रोटेट नहीं हुआ है, आप थोड़ा सा तिरछा बैठे हो, सही से बैठिए। ऐसा पांडे, डाउन हैंड, आपका वर्क आया था बेटा। अंकित वर्मा, आपका भी वर्क आया था। अंकित, आप अपना फोन बेटा थोड़ा सा नीचे की तरफ करो, आपका फैन दिख रहा है, आप मुझे आपको देखना है बाबू। हाँ, थोड़ा सा फोन ऐसे, थोड़ा सा कुछ किताब उताब को ऊपर रख दो, थोड़ा सा हाइट पे रख दो। अब इतना दूर भी नहीं बिठाना है मैम बच्चे को, उसको बच्चा स्क्रीन में देख ही ना पाए। अभी मैंने यहाँ पे वर्क लिखा, इतना छोटा मैं लिखूंगा, बच्चा कैसे देख पाएगा? क्योंकि हाँ, आप कोई मेज ना हो बेटा, तो कोई किताब वगैरह के ऊपर रख लिया करो, ठीक है? चलो मुस्कान, आपका वर्क नहीं है बेटा? मुस्कान प्रजापति, मोबाइल डाउन था, क्या हुआ? बेटा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। फिलहाल आप व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा क्यों नहीं आपने वर्क भेजा। फिलहाल जो बच्चे वर्क नहीं भेजेंगे उनको लाइव क्लास भी, उनको लाइव क्लास भी नहीं लेने दूंगा, ध्यान रखना। आप पढ़ रहे हैं तो अपना होमवर्क जरूर पूरा करें, तो कोई बहानेबाजी नहीं। किसी की कितनी भी तबीयत खराब है, बुखार हो गया, हाथ दर्द कर रहा है, अरे घर में बैठ के आपको लिखना ही तो है। आज बारिश हो रही थी पूरी तरीके से, हम लोग भीगते हुए आए पढ़ाने के लिए। आप लोग तो घरों में बैठे हैं, फिर भी आप वर्क ना करें तो गलत बात है ना? उनको नहीं पढ़ने का मौका मिल पा रहा है, उनके यहाँ पे फोन नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी आप लोग अपना वर्क नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे? आप सभी लोगों ने गलत किया है। आप बताइए, जिन्होंने किया ही नहीं उनको कैसे बताऊं, उनको आता नहीं। आप कई लोगों ने कई सारे क्वेश्चन तो सही किए हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो सभी के सभी ने गलत किया है। अनुष्का ने भी गलत किया, आशा ने भी गलत किया, शिवान्या ने भी गलत किया, सभी लोगों ने गलत किया। ऐसा कोई था ही नहीं जिसने सही किया हो। सही है, चलिए ठीक है। अभी आप लोग बुक ओपन करिए, मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। ओपन द पेज नंबर 6, एवरीबडी ओपन द पेज नंबर 6। अंकित, हाँ बिल्कुल, और आगे इतना दूर नहीं, और पास में मोबाइल, अंकित मोबाइल के पास में, इतना दूर नहीं, और पास में बेटा, और पास में। आप बेड पे बैठे हो, मोबाइल फोन आप बहुत दूर रखे हो, मोबाइल फोन जिस पे रखा है उसको और अपनी तरफ खींच लो, ठीक है? अंकित, आप अपना माइक माइक बंद करो बेटा, अगर आवाज आपके यहाँ से आए तो अपनी माइक बंद कर लिया करो। Yes, sir. आप स्वयं अपने घर वालों को नहीं मिल सकते तो बेटा माइक ही बंद कर लिया करो, इतना तो समझदार बनो। Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन में आपका जो सेकंड क्वेश्चन है 42,000, क्या लिखा है? 42,599 comes right before, comes
राइट यही तो, ये तो क्वेश्चन था। यस सर। ब्लैंक कई लोगों ने लिखा है 43,600। कितने लोगों ने ये लिखा है? हाउ मेनी हैव रिटन दिस? आस्था ने भी लिखा था, मुस्कान ने भी ये लिखा था। मुस्कान आपने वर्क कंप्लीट किया था बेटा? यस सर। अच्छा चलो वेरी गुड। आपने फोटो नहीं भेजा था, फोटो अगली बार से भेजना। चलो कई लोगों ने ये वाला वर्क दिया। अभिनय पांडे ने अपना पिछले इसके पहले वाला सेशन का फोटो भेजा था, जो परसों नर्सों दिया गया था होमवर्क, वो उन्होंने कम्प्लीट ही नहीं किया था, उसका फोटो नहीं भेजा था। फिलहाल अब आज से जो नहीं भेजेगा उसको फिलहाल पनिशमेंट मिलेगा, उनकी लाइव क्लास बंद की जाएगी। बेटा एक बात बताइए, आपको मैं काउंटिंग लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे से लिखते चले जाएंगे। कितना 11, यहाँ पे 21, ऐसे पे 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100. 100 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 101, 102, 103, ऐसे से लिखते लिखते जाएंगे। फिर यहाँ पे 191, 192, ऐसे तो लिखेंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यस सर। 199 के बाद कहाँ पे पहुँचेंगे? 199 के बाद कहाँ पहुँचेंगे? 200. 200. तो 200 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 201, 202, 203, इसी तरह लिख के जाएंगे। ये भी 210 पहुंचेगा। फिर यहाँ पे 211 लिखेंगे, इसी तरह लिखते जाएंगे। फिर यहाँ पे पहुंचेंगे 291, 292, ये यहाँ तक लिखेंगे। 299 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 300. चलो फिर अब अभी जगह नहीं है तो मैं इसको रेस करता हूँ। 300 के बाद क्या होता है? 300 के बाद कौन सा नंबर आएगा काउंटिंग में? आपका 300 क्या आएगा बेटा? आपका 300 काउंटिंग करने पे कौन सा नंबर आएगा बाबू? क्यों बेटा? 300 के बाद क्या आएगा? 300, 301, 302, 303 ऐसे ही तो आएगा। Yes, sir. ये ऐसे चलेगा 391, 392, 393, 394, 399 के बाद क्या आएगा? 400. इसी तरह 400 के बाद 401 ये जाएगा 500 तक जाएगा ना। 401 से 499 के बाद 500 के बाद क्या आएगा? 501 भी आ जाएगा। 599 के बाद 600, 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
जाएंगे 799, फिर पहुंचेंगे 800, 801, इसको भी 899 के बाद क्या जाएगा? 900 के बाद क्या आएगा? 900 के बाद 901, ये चलेंगे 998, ऐसे आएगा ना 999 के बाद क्या आएगा? 1000. अब 9 के बाद तो 10 तो इसको लिखोगे ना 9 के बाद, अब ये 9 ये 9 ये 9, तो ये क्या हो जाएगा? 1000 के बाद कितना काउंटिंग आएगा? 1000 के बाद कौन सा काउंटिंग आएगा? 1001, 1002, 1003, ऐसे पहुंचेंगे 1000,
1099 के बाद क्या आएगा? 2000 के बाद क्या आएगा? 2000 आएगा. 99 के बाद क्या आता है? 1100. यही गलती आप लोगों ने किया, इसीलिए इतनी देर से मैं नंबर लिख रहा हूँ. 1099 के बाद 1100 के बाद कौन सा नंबर आएगा काउंटिंग में? 1399 के बाद क्या आएगा? ये Yes, sir. चलिए मैं आपसे और भी क्वेश्चन पूछता हूँ. आपके जो डाउट है वो पूरे तरीके से क्लियर होने चाहिए. 1300 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 1301. क्यों बेटा? यस सर. यस सर. 1302, 1303 ऐसे से करेंगे. 1398. बेटा किसकी यहाँ से आवाज आ रही है? मुझे बाहर करना पड़ेगा. अगर बाहर ना करूँ तो बेटा अपना अपना माइक आप लोग बंद कर लीजिए प्लीज. जिसके यहाँ पे कोई बच्चा उसके मम्मी पापा ना मांगते हो तो अपना माइक बंद करिए. बेटा माइक आप लोग को पता है कहाँ पे है? आपके स्क्रीन पे माइक माइक दिख रहा होगा. मुस्कान प्रजापति. बेटा आप अपना माइक बंद करिए. माइक आपको पता है कहाँ से बंद होता है? उसको बंद करिए. आपसे क्वेश्चन नहीं करूंगा. के बाद क्या आएगा बेटा? 1399 के बाद 400. जिसकी माइक बंद हो जा रही है ना, वो बोल ही नहीं पा रहा, उसकी आवाज ही इन तक नहीं आ रही है. तो यानी वो पढ़ नहीं रहा है, वो तो केवल देख रहा है, वो सुन रहा है. वो बोलेगा सही बोलेगा गलत बोलेगा मुझे पता ही नहीं चलेगा. तो माइक दूसरे बंद करा देना पड़ेगा क्योंकि वो लोग शोर मचाते हैं. बोला तो मुस्कान फिर आप बोल रही हो. आपको माइक बंद करके अपने घर वालों से झगड़ा किया करिए. जो भी बोलना कहो कि मत बोले, रिक्वेस्ट करना है, जो भी करना है माइक बंद करा. सब करते रहते हैं. 1400 के बाद क्या आएगा बेटा? 1401. इसी तरीके से 1400 से कहाँ तक जाएगा? 1499 तक जाएगा. 1500 के बाद 1501 ऐसे जाएगा. 1599 फिर आएगा. 1600 ये आएगा ना ऐसे. 1601 से शुरू होगा. 1699 से 1600 ऐसे चलता जाएगा. देखिए थाउजेंड तो बदलेगा. आप लोग म्यूट कर लिया करिए. जब आवाज आपके यहाँ नहीं शांत रहती बेटा, तो अगर मुझे कई बार म्यूट करना पड़ा तो मैं एक बार बाहर कर दूंगा, फिर आप ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे. जाके फिर रिकॉर्डिंग देखना यूट्यूब पे. ठीक है. 1800 के बाद
1801 ये यहाँ तक जाएगा 1899 के बाद क्या आएगा 1900 दिख रहा है ना बेटा जो लिखे हाँ थोड़ा सा और ऊपर लिखूंगा 1900 ये बात क्या आएगा 1901 ये चलते चलते कहाँ पे पहुंचेगा 1998 इसके बाद क्या आएगा अब ये तीनों 99 क्या होगा 2000 बदलेगा 2000 क्या आएगा 2000 के बाद क्या आएगा 1 2 ऐसे पहुंचेगा 2099 के बाद क्या आएगा अब आप लोग बताइए 2100 इसको 3000 मत बदल देना 2100 फिर 2100 समझ में आया काउंटिंग कैसे होती है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था आप लोगों ने गलत किया है अब उस क्वेश्चन को मैं फिर से लिखता हूँ देखता हूँ आप लोग बता पाते हैं कि नहीं अगर उसको आप बता ले जाएंगे तब मैं मानूंगा कि आपको समझ में आया मैं आपको वही क्वेश्चन लिखता हूँ 42,599 comes right before नहीं comes right before बेटा किसके यहाँ से अभी भी आवाज आ रही है मुझे अगर मुस्कान और अंकित अगर हुए तो इन दोनों को बाहर करूंगा क्योंकि इन दोनों को कई बार वार्निंग दे चुका हूँ 42,599 comes right before yes 42,599 2599 कम इसका मतलब क्या हुआ आस्था बताइए आस्था मौर्य आप बताइए जरा 42,599 कम 42,599 आता है तुरंत पहले जस्ट पहले जस्ट बिफोर या राइट बिफोर 42,599 जस्ट पहले किसके आता है इसके बाद क्या आता है उसी के पहले तो आता होगा अगर मैं पूछूं मैं ऐसा बोलूं 5 है ये जस्ट बिफोर आता है किसके बिफोर 6 के बिफोर आता है तो किसके पहले आता है 5 के बाद 6 आता है तभी तो ये 6 के पहले आता है 42,599 ये क्वेश्चन करने के पहले मुझे आप ये बताइए 42,599 के बाद क्या आएगा और पहले क्या आएगा कौन बताएगा कौन आप बेटा अभी भी आपका भाई है वो बोल रहा है अभी भी ये इसको कौन कौन बता सकता है 42,599 ये पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा हैंड शो करें मैं उनसे पूछूंगा जो भी हैंड शो करेगा 42,599 जस्ट बिफोर क्या आता है और जस्ट आफ्टर क्या आता है Show your hand, whoever want to tell. Yes, Asha, tell us. 42,600. ये पहले आता है? पहले आता है बेटा, बाद में आता है. 42,598. क्या 42,598 क्या पहले आता है या बाद में आता है पहले आता है 42,598 यही ऊपर लिख दे रहे थे 42,598 इसके बाद क्या आता है उसका पांडे बताइए आस्था ने बताया था चला लगी
42,600। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये लिखा गया था 42,599 comes right before। तो यहाँ पे क्या होगा? 42,599 comes right before, किससे पहले आ रहा है? 600 to 42,600। 42,600 ये कितने लोगों का गलत हुआ? कितने लोगों ने ये 42,600 सही लिखा था? ये कितने लोगों ने जिसका आंसर गलत लिखा था ये बताइए, हैंड शो करिए, मुझे देखना चाहिए। कितने लोगों ने जिसका आंसर गलत लिखा था हैंड शो करिए प्रॉपर। मुझे पता है कौन कौन गलत किया है, मैंने रिकॉर्डिंग करके चेक करके आपको बताया भी है रिकॉर्डिंग करके। शिवान्या का भी गलत हुआ, आदर्श का भी गलत हुआ, राजपाल का भी गलत हुआ, अंकित का भी गलत हुआ, आदित्य का भी गलत हुआ, अंकित का भी, आस्था का भी, उसने वर्क ही नहीं भेजा, ममता का भी वो गलत हुआ, मुस्कान और आयुष पांडे का वर्क ही नहीं हुआ। मुस्कान बेटा स्क्रीन पे देखिए, मोबाइल पे इधर उधर देखती है तो मुझे पता है कि आप सामने पढ़ नहीं रही है, बगल में किसी और को देख रही है, ऐसा गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी सभी का गलत गया। आप समझ में आया था ये आंसर क्या होगा? समझ में आ गया सभी को क्या आंसर होगा? यस सर, यस सर, तो नहीं गलत होगा? नो सर। चले ठीक है, बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और है, मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूँ। अभी मैंने एक नंबर लिखा है 99। अरे बेटे कितने डिजिट का नंबर है ये बेटा? हाउ मेनी डिजिट इज देयर इन दिस नंबर? 99। मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया क्या इससे ज्यादा क्या होगा? 99 के बाद इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मान लो इसी में अगर 1 जोड़ दें, 1 प्लस कर दे तो कितना आएगा आंसर? 100। कितना आएगा? 100 नहीं 100। 100 नहीं 100, ठीक है? कितना आएगा? 100 मतलब कितना 100? ऐसा कोई पूछ सकता है ना? 99 प्लस 1 इज 100। तो दैट मीन्स कि 2 डिजिट का नंबर था ये। अगर इसमें इसके बाद हम अगर 98 लिख दे कम लिखे तब तो ये कम हो गया। यानी सब मिला के अगर हम ये बोले कि व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट में क्या होता है? 99। लार्जेस्ट में क्या होता है बेटा? बेटा सबसे बड़ा, सबसे लंबा होता है। फिलहाल लार्जेस्ट भी लिख के आ सकता है, हाईएस्ट भी लिख के आ सकता है, IGHT, CST या ग्रेटेस्ट लिख के आ सकता है। ग्रेटेस्ट या तो पूछा जाए व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा पूछने का उसका जो मतलब है, क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा 2 डिजिट का कौन सा नंबर होगा? कौन सा होगा? 99 ना? यस सर। 99 से अगर आप इसको लिख दे 89 लिख दे, मान लीजिए 89 लिख दे तो 89 बड़ा है कि 99 बड़ा है? 99 छोटा कुछ भी 98 लिख दे, 21 लिख दे, 70 लिख दे, 50 लिख दे, कोई भी 2 डिजिट का, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं, इससे छोटा तो सारे है ना 2 डिजिट वाले नंबर। सबसे लार्जेस्ट बोले या हाईएस्ट बोले या ग्रेटेस्ट बोले कुछ भी पूछा जाए, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, लार्जेस्ट मतलब सबसे लंबा सबसे बड़ा, यानी तीनों का मीनिंग एक ही है मैथ में। तो व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट? 99 में अगर आप एक डिजिट और जोड़ दें, एक और जोड़ दें तो क्या जाता है? 100। 100 कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट। 100 से कम कोई नंबर बताइए? 100 से कम 99 हो गया ना? लेकिन 100 से कम ऐसा कोई नंबर बताइए जो इससे ज्यादा हो, 3 डिजिट का हो। 100 नहीं, 100 से कम नहीं, ऐसा कोई नंबर बताइए जो 100 से ज्यादा हो, वो भी 3 डिजिट का हो। 101 भी लिख सकते हो, ये भी ज्यादा है 3 डिजिट का। 102 भी लिख सकते हो, 900 लिख सकते हो, 999 लिख सकते हो, सबसे ज्यादा है 100 से।
मैंने बोला है 100 से ज्यादा हो, सबसे ज्यादा नहीं बोला है, मैंने बोला 100 से ज्यादा हो। तो ज्यादा तो आप कई सारे नंबर बता देंगे, लेकिन क्या 100 से कम कोई ऐसा नंबर बता सकते हैं जो डिजिट का हो वो भी 100 से कम हो? नो सर। नो सर। थ्री डिजिट का ऐसा कोई नंबर आप लोग बता सकते हैं जो 100 से कम हो? इज देयर एनी थ्री डिजिट नंबर लेस देन 100? नो सर। नो ना। दैट मीन्स कि अगर टू डिजिट, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर में, लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट ही तो है, टू डिजिट नंबर में अगर प्लस वन कर दे तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा कि क्या है 100? क्या है सर? 100 है। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट, स्मॉलेस्ट इसको लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर प्लस वन इक्वल टू ये स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है ना, इससे छोटा थोड़ा है कोई, किससे छोटा है? 100 से छोटा कोई है नंबर? नो सर। क्या आएगा? स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर आप चेक करना चाहते हो, देख लीजिए लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर क्या है, 99 में अगर प्लस वन करते हो, प्लस वन कितना आएगा? 100 इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। समझ आया? यस सर। यस सर। समझ लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे, यही नहीं बेटा, कुछ भी आप कर सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख दिया लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर कितना, लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर प्लस वन इक्वल टू क्या? लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर बताइए क्या होगा? 999 1 2 3 4 5 99 is the largest 5 digit number na? Yes sir. Plus 1 kar diya isme, plus 1 kar diya to kitna aayega? Isko jod ke dekhiye, aap upar niche add karna jante hain to upar niche bhi add karke dekh lijiye, plus 1 ab dekhiye jodiye, 9 plus 1 1 equal to 10, 10 ke 0, 9 plus 1 equal to 0, 9 plus 1 equal to 10, 10 equal to 10 के 0, 1 will be carried over there. अब फिर यहाँ पे 9 plus 1 जो carry गया था 10, फिर यहाँ पे 9 plus 10 सब मिला के इसका आंसर क्या आएगा? 1 lakh, 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, यही तो आएगा? Yes sir. तो ये क्या है? ये 1 lakh है, 1 lakh क्या है, हाईएस्ट नंबर है या ग्रेटेस्ट नंबर है, क्या है, कितने डिजिट का नंबर है ये बताइए? हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन 1 lakh? हाउ मेनी डिजिट इज स्मॉलेस्ट? 6 डिजिट स्मॉलेस्ट। 6 डिजिट माइनस कर दो बेटा, बार बार नहीं बोल रहा, मैं सुन रहा हूँ उत्कर्ष। 1 lakh है, आपका 6 डिजिट है, 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। जैसे आपने बोला था ना, लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर, लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर प्लस वन इक्वल टू क्या लिखा है, आंसर आएगा स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, डिजिट नंबर, ठीक है। अगर लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर में वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा? लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर में वन ऐड करेंगे तो कितना आएगा, क्या आएगा सर? 1 lakh। लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर, लार्जेस्ट थ्री डिजिट, चलो देखते हैं, लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर यही तो है जिसमें 1 ऐड करेंगे 1 lakh हो जाएगा। कितना आएगा, कितना आएगा ये? 1000। कई लोग तो 1 lakh बता रहे थे, कितना है 1000। 4 डिजिट नंबर, इट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। समझ आया? तो जो भी आपका लार्जेस्ट डिजिट नंबर है, अगर उसमें वन ऐड करेंगे तो उसमें से ज्यादा डिजिट वाले, यानी 5 के बाद 5, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में वन ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आएगा, ये ध्यान रहेगा ना? यस सर। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, मैं 4 कर दूं, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर प्लस 1, तो कितना आएगा आपका, कौन बता सकता है? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में वन ऐड करने पे कितना आएगा? हाँ सर बताइए सर। 10,000 मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आपका ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया ना?
तो यहाँ पे यस सर मतलब यह है लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर में वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर क्या आएगा स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर हमने किया लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर में वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर आएगा स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कर दूं लार्जेस्ट एट डिजिट नंबर में वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा लार्जेस्ट नाइन डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट नाइन डिजिट लार्जेस्ट नाइन वेरी गुड अगर मैं यहाँ पे लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर करूँ और वन करूँ तो क्या आएगा सर टू लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर कितना होगा नाइन होगा ना यस सर लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर उसमें वन ऐड करोगे तो क्या आएगा टेन टेन क्या है टेन क्या है सर स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर प्लस वन इक्वल टू स्मॉलेस्ट कितना डिजिट नंबर टू डिजिट टू डिजिट नंबर अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर तो स्मॉलेस्ट कितना डिजिट नंबर वन ऐड करने पे इसी तरीके से अगर हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं अच्छा स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या है स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 100 माइनस वन इक्वल टू कितना आएगा 100 माइनस वन इक्वल टू कितना 99 इसका मतलब अगर हम स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर माइनस वन इक्वल टू लार्जेस्ट डिजिट नंबर ये तो होगा अगर हम यहीं पे स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर लिख दे स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर माइनस वन तो लार्जेस्ट कितना आएगा स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर में से वन माइनस करेंगे तो क्या आएगा लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा जरा बताइए टेन माइनस वन इक्वल टू नाइन तो यानी लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर वेल डन वेरी गुड स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर में वन माइनस करेंगे तो लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर मिलेगा अब तो वन ऐड करने पे या वन सब्ट्रैक्ट करने पे समझ में आया इसमें क्या होगा yes, sir. फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन नंबर डी आप लोग का गलत था उसको भी सही करिएगा ठीक है yes, sir. इसी तरीके से 9 lakh कम्स राइट आफ्टर एक क्वेश्चन आपका था 9 lakh कम्स राइट आफ्टर वन टू यही तो हुआ वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख 9 lakh किसके बाद आता है 9 lakh के पहले वाला नंबर बताइए बाद वाला नंबर बताइए बेटा समय खत्म हो रहा है जल्दी से बताइए कौन बताएगा कौन बताएगा कोई भी बताइए जिसको भी बताना है एंशो करिए मैं नाम लूंगा जिसको भी बताना है आशा बताइए आशा ने एंशो किया है सर पहले या बाद में पहले पहले वाला बताओ फिर बाद में बताओ सबसे पहले पहले बताइए क्या होगा बिफोर क्या आएगा सर 9 lakh 9 lakh 98 आप बताइए गलत है आपका सर 9,99,999 इसके पहले ये आएगा यस सर ये बताइए इसके बाद क्या नंबर आएगा जो आपने बोला है इसके पहले आपने बोला अच्छा इसके बाद क्या नंबर आएगा जरा बताइए इसके बाद क्या नंबर आएगा 9 lakh 9 lakh 99,000 अच्छा 9 lakh के बाद सीधा 99,000 आ जाएगा कि 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होगा काउंटिंग आपको करना है ना इसके जस्ट आफ्टर क्या नंबर आएगा सीधा 1000 बदल देंगे
क्या होगा? आपने 100 के बाद सीधा 200 बोल दिया था, 1000 के बाद 1001, 1002, 1003, 100, 1100 पे पहुंचे, 1100, 1102 ऐसे पहुंच के आप 9,01,9,02,9,03 ऐसे तो आएगा. तो अभी बहुत बाद आएगा इसके, तुम पहले बता रही हो आ रहा है. सही है गलत है? रॉन्ग है. रॉन्ग है. इसका संडे बताइए क्या है फिर. सही सर. सर 8,99,999. गुड, वेरी गुड. सही है ये. 8,01,8,02,8,03,8,04,8,100 ऐसे पहुंचेगा. फिर 8,101,102,103 ऐसे पहुंचते हुए 8,999 जाएगा. फिर 8,999 के बाद 8,01,000, 8,01,001, 8,01,002, 8,01,100 पहुंचेगा. 8,01,101, 8,01,102 ऐसे काउंटिंग शुरू होगी ना. ऐसे तो काउंटिंग होती है, 1-1 ऐसे तो होता है. 8,99,999 पूरा 9 हो जाएगा तभी ये चेंज होगा. तो इसके बाद ये आएगा बेटा. फिलहाल आपको जो भी नंबर के पहले वाला पूछा गया है, 9 लाख पूछा गया थी, इसमें 1 माइनस कर लिया था. 1 माइनस करके 10-1=9. यहाँ पे 9 9 9 9 9 यहाँ पे 9 ये बोरो दिया था, इसको इसको ऐसे दिया था, तो 8 आएगा. खत्म हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ. इसमें इस तरीके से 1 माइनस करके देखिए, अगर इसके पहले क्या आएगा, एक डिजिट पहले वाला ही तो नंबर है, जस्ट बिफोर. क्यों? यस सर. बात पूछा जाए तो इसमें 1 ऐड कर दो. 1 ऐड करोगे कितना आएगा, 9,01,000 हो जाएगा. और 1 माइनस करोगे तो 8,99,999 आएगा. तो जो आपका क्वेश्चन पूछा था उसको पढ़ना ध्यान से, फिर उस हिसाब से आप लोग आंसर देना. समय खत्म हो रहा है बेटा. अभी मैं होमवर्क करके फोटो भेज दूंगा, सभी लोग होमवर्क करके भेजिएगा. ओके यस सर. यस सर. यस सर.